ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत। और पागलपन। टाइगर को आखिर क्यों लौटना पड़ा? क्या है ये भागने का किस्सा? किसको बचाने टाइगर लेता है ये खतरा अपने सिर? ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। टाइगर पिछले एक साल से एक मिशन पर है और एक मिशन ही था जिसमें वो एक लड़की से मिला था जिसे उसने अपना दिल दे दिया था। और बाद में जब सारी बातें बाहर आती है तो पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक स्पाई रहती है। टाइगर की जिंदगी में यूं भी इस नौकरी के कारण हमेशा एक खतरा सा मंडराता रहता है, लेकिन जब से उसे एक पाकिस्तानी से प्यार हुआ है उसके सारे ऑफिसर्स की रडार पर वो दोनों आ चुके हैं। बहुत दिन तक जब वो एक साथ रहने के लिए जद्दोजहद करते रहे और उन्हें समझ में आया कि वो नहीं रह पाएंगे, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया भागने का और वो दोनों अपनी एक दुनिया बसाने के लिए एक दूसरे से दूर भागकर रहने लगे। पर बीच में ही टाइगर को सब कुछ छोड़कर वापस अपनी जिम्मेदारी निभाने जाना पड़ा क्योंकि वो एक रॉ एजेंट है और उसके ऑफिसर्स उसे बहुत जल्द ही एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए बुला लेते हैं। टाइगर वापस आकर सब कुछ संभालने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उसे एक बात समझ आती है कि मैटर कुछ ज्यादा ही बड़ा है और उसे इस बार जोया यानी उसकी वाइफ की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि किस तरह ये स्पाई वाली हस्बैंड वाइफ की जोड़ी सब कुछ सही करते नजर आती। जोया भी अपने काम पर लग जाती है और टाइगर की मदद करते हुए वो भी वापस अपनी जिम्मेदारी उठा लेती है। टाइगर ने इस बार अपने देश को बचाने के लिए एक नए तरह का प्लॉट बुना है जिसमें खतरा भी ज्यादा है। जब वो दोनों अपने देश की बेटियों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं कि कैसे टेररिस्ट ने उन सबको बंधक बनाकर रखा है। और इस तरह से टाइगर और जोया डिसाइड करते हैं कि हर बार की तरह ही वो इस समस्या को नहीं सॉल्व कर सकते। इस बार खतरा बड़ा है क्योंकि उसमें दोनों देशों की बेटियां शामिल हैं और टाइगर और जोया को मिलकर ना सिर्फ उन्हें बचाना है बल्कि इन्हें इनके घर भी वापस भेजना है। टाइगर 3 में हम सबको उम्मीद है कि एक नया विजन और एक नई चीज देखने को मिल सकती है। हर बार मूवी में स्पाई और उनके काम का एक नया ही एंगल देखने को मिला है। किस तरह से हमारे एजेंट्स अपने जान की बाजी लगाकर काम करते हैं ये सब देखना काफी सही था और मूवी में पैट्रियोटिक होना क्या होता है ये भी बहुत अच्छे से समझाया गया था। वहीं मूवी को थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए उसमें सलमान और कटरीना की एक छोटी सी बहुत ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी भी रखी गई थी जिसमें ये भी बताया था कि कैसे अपने प्रोफेशन के कारण वो एक साथ नहीं रह पा रहे और अंत में उन्होंने सब छोड़ दिया और एक दूसरे के साथ कहीं दूर जाकर बस गए थे। टाइगर 3 में किस तरह से और किसके साथ लव एंगल पिरोया जाएगा ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और हम सब मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, इमरान खरे उतर पाएंगे इस रोल में।